जब विदर्ता को उसके पति के द्वारा रोका जाता है तो वह अपनी परंपरा विरोधी भावनाओं को प्रकट करती हुई कहती है, राम राम, हाँ ठहरो ठहरो, ये तुम क्या करते हो? अबला कहकर भी मुझको यों बलपूर्वक धरते हो। लज्जा भी छोड़ी क्या तुमने? छोड़ी जहाँ दया है, तन न जाए पर मन तो मेरा अपनी गेल गया है। इस पद्यांश में मैत्रीक्षण गुप्त ने विद्रता नारी के कथन को उपस्थित कर उसकी परंपरा विरोधी भावनाओं का चित्रण किया है। विद्रता पुरुष को लक्ष्य करके कहने लगती है कि ये कितने बड़े दुख की बात है, ये तुम क्या अनीति कर रहे हो, ये तुम क्या अन्याय कर रहे हो। हरे रुको, ठहरो ठहरो, मुझे अबला नारी कह कर के भी इस तरह बलपूर्वक क्यों पकड़ रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, क्यों अपने अधीन रखने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो? क्या तुम इस तरह के आचरण से अपनी लज्जा और दया को भी छोड़ चुके हो? भले ही मेरा शरीर किसी के भी अधिकार में जा सकता है, लेकिन मेरा मन तो मेरे ही अधीन है और वह मेरी इच्छा अनुसार ही चलता है। इसलिए मैं किसी के भी द्वारा बलपूर्वक किए गए तिरस्कार को सहन नहीं कर सकती हूँ। लोहित नेत्र फड़कते नुतने विकृत वदन खरवाणी, नारायण मेरे नर में है कौन नया ये प्राणी। रौद्र नहीं विवश असुचि यह, आओ हरे नहाओ, ये शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्ध शांति तुम पाओ। जब विद्रता की बात को सुन करके पुरुष नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोध में तिल मिलाने लग जाता है, तो उस समय उस पुरुष की क्या स्थिति होती है, उसी का वर्णन करते हुए विद्रता कहती है कि तुम्हारे नेत्र क्रोध से लाल हो रहे हैं, नथुने फड़क रहे हैं, चेहरा तमतमाया हुआ है तथा वाणी एकदम कर्कश क्यों है? ये आपकी विकृत अवस्था क्यों हो रही है? हे भगवान, देखने में तो ये पुरुष हैं, परंतु आचरण से इसमें कौन सा नया प्राणी बन आया है? अर्थात पुरुष के क्रोध भरी मुद्रा को देख करके विद्रता अफसोस करने लगती है पुरुष वर्ग पर कि क्रोध के समय किस प्रकार से ये नए कलेवर में आ जाते हैं। ये केवल भयंकर क्रोध युक्त है, घृणित ही नहीं है, अपितु आचरण से अपवित्र भी हो रहा है। इसलिए हे पुरुष, आओ नहाओ और इस शरीर की शुद्धि करो तथा तुम शांति प्राप्त करो। अब ये शरीर तो त्यागा नहीं जा सकता, इसे शुद्ध एवं शांति रखा जा सकता है, अब तुम भी अपना आवेश त्याग कर ऐसा ही करो। इस प्रकार से विद्रता उस पुरुष को समझाने का प्रयास करती है और कहती है, पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा, तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। मैं मर चुकी किंतु मरते ही टंडी नहीं पड़ी हूँ, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। जब विद्रता पुरुष से इस प्रकार की बातें कहती हैं तो वह पति के सामने स्वाभिमान के साथ अपना मत अभिव्यक्त करती हुई उस पुरुष से कहती हैं कि पुरुष स्वयं को विशिष्ट मानकर नारी पर अत्याचार और उसे दबा कर रखे और निर्लज्जता पूर्वक उसे अबला माने, यह सर्वथा अनुचित है। इसलिए नारियों के साथ व्यवहार करते समय पुरुषों को अपने आचरण की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मैं यही बात तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम मेरी इस बात को इस समय अच्छी तरह सुन लो, क्योंकि आगे फिर तुम्हें मेरी बात सुनना भी चाहोगे
तो भी नहीं सुन सकोगे, मैं तुमसे फिर नहीं कहूँगी। इस अपमानित व्यवहार से मैं एक प्रकार से मर चुकी हूँ, परंतु अभी मेरा शरीर ठंडा या चेतनाहीन नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुमसे दो बातें कहने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर इसी निमित्त खड़ी हूँ, अतएव मेरी बात अवश्य। विद्रता पुरुष को संबोधित करते हुए कहती हैं, हम तुम पति पत्नी थे दोनों, दीक्षित इस अधूर में पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने ये पल भर में, मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं, आहा यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा मेरा सब कुछ स्वाहा। विद्रता नारी अपने पति अर्थात पुरुष को लक्ष्य कर कहती है कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने तथा उसे अबला मानकर सताने का परिणाम अच्छा नहीं रहता है। नारी पुरुष से कहती है कि हम और तुम दोनों ही इस सांसारिक जीवन में पति पत्नी थे और ग्रस्त जीवन रूपी यज्ञ के अनुष्ठान के लिए विवाह संस्कार से दीक्षित हुए थे, परंतु तुमने मेरा पत्नीत्व पल भर में ही छीन लिया, मेरे साथ जो बलपूर्वक गलत व्यवहार किया, अनुचित व्यवहार किया, उससे मैंने पत्नीत्व के जितने भी गुण और धर्म थे उन सब को त्याग दिया। तुमने मुझे दासी की तरह समझा, मैं अपनी इच्छा से मुट्ठी भर अनाज तक भी किसी को नहीं दे सकती थी। इस तरह तुम्हारे कठोर व्यवहार के कारण मेरा पत्नी धर्म विनिष्ठ हो गया, यह ग्रस्त जीवन रूपी पवित्र यज्ञ भंग हो गया और इसमें तुम्हारा मेरा ग्रस्त जीवन का जो साचर्य निभाने का संस्कार था वह सब स्वाहा हो गया। अर्थात नारी अपने अधिकार से वंचित होने की स्थिति में किस प्रकार से अपने पत्नीत्व धर्म को खो देती है, इस पीड़ा को, इस व्यथा को विद्रता ने इस पद्यांश के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो इन प्रारंभिक पंक्तियों के माध्यम से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि जब नारी के स्वाभिमान को टीस पहुंचती है, आहत होता है, उसके अधिकारों को रोका जाता है, तो किस प्रकार से वह पुरुष को सावचेत करती हुई अपने पत्नीत्व के धर्म को स्पष्ट करती है। तो आज हमने विद्रता के माध्यम से यही समझने का प्रयास किया है। जय हिंद, जय भारत।